पिया पागल सी हो गई है। अब आपा खो बैठी है ये गोपिया कृष्ण के लिए और कृष्ण को याद कर रही है, कृष्ण को पुकार रही है, कृष्ण दर्शन के लिए कृष्ण को प्रार्थना कर रही है। जिस प्रकार मदिरा का व्यसनी व्यक्ति मदिरा के बगैर रह नहीं सकता, उसी प्रकार जो प्रेमी है ये गोपिया है वो भगवान के बगैर नहीं रह सकती। इन गोपियों का व्यसन तो कृष्ण है, हमारे व्यसन कोई और बन जाते हमारा व्यसन संसार बनेगा, हमारा व्यसन आसक्ति बनेगा, हमारा अलग अलग व्यसन बन जाता है। गोपियों का व्यसन उसी शराबी की तरह था जो शराब के बगैर रह नहीं सकता। इनकी शराब तो कृष्ण थे, इनका व्यसन कृष्ण थे, इनको कृष्ण चाहिए, ये कृष्ण के बगैर रह नहीं सकती, ये कृष्ण के बगैर जी नहीं सकती। इनको अपने भगवान के दर्शन करने हैं क्योंकि ये भगवान को समर्पित है। हे भगवान, जैसे तीर से कोई पक्षी घायल हो जाता है, जैसे किसी पक्षी के शरीर में तीर घुस जाता है, उसी प्रकार आपके नेत्र कटाक्ष हमें घायल कर रहे हैं। जैसे किसी पक्षी के शरीर में तीर घुस जाए, हे कृष्ण, फिर जैसे पक्षी तड़पता है, जैसी उसको वेदना होती है, हे कृष्ण, वैसी ही वेदना हमें भी हो रही है, वैसा ही हम अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए हे भगवान, हमारे प्राण छूट जाने से पहले आइए, इस रास में प्रकट हो जाइए, हमारे नयन तरस रहे हैं। यह गोपिका भगवान श्याम सुंदर से विशेष रूप में विनती करते हुए कह रही है, हे नटनागर, अपनी बराबरी वाले के समक्ष यदि आप अपना बल बतावे तो फिर शोभा देगा। भगवान, तेरे बराबरी का कोई हो ना तो तू जो बल बता रहा है अंतर्धान होकर, तो जो तेरी बराबरी का होगा भगवान, उसे बल दिखाना, उसे बल आप दिखाओ। लेकिन हे कृष्ण, उसे बल दिखाओगे तो आपका बल भी शोभा देगा, लेकिन हे श्याम सुंदर, हम तो आपकी अशुल्क दासी का है, हम तो आपकी अशुल्क दासी का है, बिना मोल की चेरी है आपकी, बिना मोल की चेरी है, निशुल्क दासी का है, शुल्क दासी का है, क्षूद्र दासी या है, इसलिए इन दासियों के समक्ष आप क्या बल बताएंगे। आप जो बल बता रहे हो, जो सामर्थ्यवान है, आपकी बराबरी करने वाले को बताओ, हम तो दासी है, हम तो क्षुद्र है, कृष्ण हमें क्या आप बल बता रहे हो, हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते, हम आपके इस विरह को नहीं झेल सकते, हम तो क्षुद्र है, हम छोटे हैं, हम दोषी हैं, हम अपराधी हैं, हम आपके दास है। और शब्द प्रयोग करती है निशुल्क दासी का, कि हम तो कुछ, हमें कुछ अब चाहिए नहीं, हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, निशुल्क हम कृष्ण भी कहे जा रहे हैं, तो निशुल्क कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आसक्ति नहीं है कृष्ण, निशुल्क हम आपकी भक्ति किए जा रहे हैं। तो हमें ये बल आपके बराबरी वाले को दिखाना, इन गरीबों को क्यों आप बल दिखा रहे हो, इन दासियों को क्यों आप बल दिखा रहे हो कृष्ण, जिनका कोई मूल्य नहीं है, हम तो बिना मोल के हैं, आप अमूल्य हो, आप अनमोल हो, लेकिन हमारा तो कोई मोल ही नहीं, हम तो आपके दासी हैं, और हमारा वध करने से आपको क्या मिलेगा, क्योंकि आप नहीं प्रकट हो, नहीं हुए तो हमारा वध हो जाएगा, हम मर जाएंगे, और हमें मारकर जिसका कोई मोल ही नहीं है,
इन गरीबों को मारकर आपको क्या हासिल होगा, इन गरीबों का वध करके आपको क्या हासिल होगा भगवान, क्यों इन गरीबों को मारना चाहते हो? आप बराबरी करिए, आपके बराबर जो है उनकी, मुझ गरीब को, हम गरीब को, दासियों को मारकर आपको क्या उपलब्ध होगा? अरे भगवान, हमें तो आप जीते जी मार रहे हैं, क्या यह आपको शोभा देता है? आप तो हमें जीते जी मार रहे हो भगवान, और जीते जी मर जाना मृत्यु से भी बड़ी सजा है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोपाल नंदलाल। आइए भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए जगत गुरु भगवान को प्रणाम करे, अभिवादन करे, अपनी कथा में हम स्वागत करे, इस ब्रह्म सभा में जगत गुरु भगवान को प्रणाम करे, अभिवादन करे, स्वामी जी के चरण में दंडवत प्रणाम करता हुआ, आइए दोनों हाथों से स्वामी जी के साथ साथ में प्रमाण पत्र के साथ भगवान का नाम स्मरण करिए। अधिकारी पुरुष के कृपा छत्र में भगवान को याद करिए, अधिकारी पुरुष के सानिध्य में भगवान को याद करिए। आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए अपने वाणी को पवित्र करिए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, कृष्ण कन्हैया लाल की। गोपिया कह रही है, हे भगवान, हम तो अपराधी है ही, हम तो अपराधी ही है भगवान, क्या हमारे अपराधों की ओर देखकर आप हमारा तिरस्कार कर रहे हो?
कि हमारे अपराधों को ध्यान में रखकर आप हमारा तिरस्कार करते हो। अरे भगवान, हे श्याम सुंदर, आप तो स्वभावतः दयालु है, और जो दयालु होते हैं वो किसी का अपराध नहीं देखते। आप दयालु है तो आप हमारी अपराधों को मत देखो, हमारी भूल को भूल जाइए और हमें दर्शन दीजिए, हमारे अपराधों को देखकर नहीं, हमारे भाव को, हमारे हृदय की हालत को देखकर आ जाइए और हमें दर्शन दीजिए। गोपिया कहती है, भगवान, हे श्याम सुंदर, प्राणों से प्यारे है कृष्ण, रूठ जाने के बाद मान जाना भी तो जरूरी है। रूठ जाने के बाद हे कृष्ण मान जाना भी तो जरूरी है, अभी मान भी तो जाओ, क्यों इतना रूठे हो? अब हे कृष्ण मान जाओ और हमें दर्शन दे दो। ये आंख तड़फ रही है, हृदय तड़फ रहा है आपके दर्शन के लिए। इस प्रकार ये जो गोपिया है द्वितीय श्लोक में भगवान की चर्चा करती है और करुणामय वाणी से अपने स्वामी श्री कृष्ण के करुणामय उस दृष्टि की याचना गोपिया करती है, अपने को निःशुल्क दासी का कहती है। गोपियों का भाव इस शब्द प्रयोग का इस शब्द को वो प्रयोग कर रही है, क्योंकि वो गोपियां भगवान को कहना चाहती थी कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम आपके जो बन चुके हैं तो निःशुल्क बन चुके हैं, हमें कोई अपेक्षा नहीं। आपके बन जाने के बाद उसके फल की कोई अपेक्षा नहीं है, बस हम आपको समर्पित हुए हैं, कोई अपेक्षा नहीं, हम आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, कोई अपेक्षा नहीं, हम निःशुल्क हैं, बस ये भाव मेरा और आपका भी बने कि जब कभी भगवान का जो कार्य हो, धर्म का जो भी कार्य हो, बस इसी भाव से करने का मन हो जाए। हम बस करते रहे, हम करते रहे, परिणामों की चिंता न करें, हम उसके फल की चिंता न करें, हम किसी अपेक्षा से कोई कार्य न करें, बस एक दास बनकर, एक दास्यत्व भाव हृदय में रखकर मैं भगवान का दास हूं और भगवान का काम किए जा रहा हूं, ऐसी भावना हम रखें। इसीलिए मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, जो मिले ना मिले गम नहीं, ऐसी होगी कहा दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे सदगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, जो मिले ना मिले गम नहीं, ऐसी होगी कहा दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे सदगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जैसे भगवान के दास अनन्य भक्त बनते जाओगे ना, वैसे भगवान आपको बड़ा बनाता जाता है, उसे कहना नहीं पड़ता।
इसलिए हम जो भी अपने कार्यों को करते रहे बस निशुल्क कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमारा अधिकार कर्मों के ऊपर है, न कि फल की अपेक्षा हम करें, न कि फल पर है। तो बस अपने कर्तव्य को करते रहिए। मैं मानता हूं गोपियों का भाव हमारे हृदय में यही एक संदेश दे रहा है कि बस हम भी उन गोपियों की तरह भगवान को समर्पित हो जाए और निःशुल्क बस दास बने भगवान का, समर्पित हो जाए। वो भाव हमारे हृदय में प्रकट करने के लिए ये गोपी गीत की सुंदर सी चर्चा है, गोपी गीत का ये भाव है। तो जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, कि गोपियों ने कहा अरे भगवान हम जगत के रंग क्या देखे, तेरा दीदार काफी है। कि अब हमें कोई जगत के रंग देखने नहीं है, तेरा दीदार काफी है। तूने तू इतना सुंदर है तो बहुत एक अच्छा भाव गोपियों का रहा है। आज को मैं अपने उस भाव को यह रोक रहा हूं, इस चर्चा को यह विश्राम दे रहा हूं। कल की कथा में वापस हम इस भाव के सागर में डुबकी लगाएंगे। तब तक मैं मेरी अपनी वाणी को यह विश्राम दूं, आज की कथा को विश्राम दूं। तो उससे पूर्व मैं जगत गुरु जी से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि ये तो हमारा स्वार्थ है कि प्रतिदिन हम जगत गुरु जी को आग्रह करें कि वो भी हमें सुवचन सुनाए, हमें मार्गदर्शन करे। और मैं मानता हूँ जिस विषय पर मैं बोल रहा हूँ गोपी गीत, उसके ऊपर उस विषय के ऊपर बोलने का अधिकार जगत गुरु जी का है। हमारी बैटरी तो अभी चार्जिंग पर लगी है, तो इसलिए मेरी हर रोज विनती भी रहेगी, आज भी है, कि जगत गुरु भगवान और भी उसके ऊपर प्रकाश डाले, इन गोपियों के भाव के ऊपर हमें आशीर्वाद दे। तो हम सब की ओर से जगत गुरु जी को मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद दें। Hari Om Shri Sita Nam Samarambha रावणंदारि मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां रामानंद स्वम्राम प्रादुर्भूत महीतले रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं रामनाम वरानने आपदाम अपहरतारं तातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी प्रमानंदं कृष्णवंदे जगद्गुरुं सच्चिदानंदरूपा विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम नमः। हरि ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनायवधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगताधार आनंद कंद सच्चिदानंद परमानंद अखंडानंद कारण करुणा वर्णादय भगवान श्री राम रघुनंदन मारुति नंदन के चरणों में बारंबार कोटिशः दंडवत प्रणाम करते हुए पुण्य सलीला भगवती माँ गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट पर स्थित तीर्थराज प्रयाग का ये पावन कुंभ का अवसर स्वामी जगन्नाथ धाम ट्रस्ट के इस कथा मंडप में श्रीमद् भागवत के माध्यम से श्री गोपी गीत की कथा आप श्रवण कर रहे हैं। व्यासपीठ पर विराजमान महामंडलेश्वर स्वामी जनार्दन हरि जी महाराज चित्रकूट धाम के हरिद्वार के श्री महंत रामकृष्ण दास जी महाराज उड़ीसा प्रांत के हमारे संत समिति के प्रांताध्यक्ष हमारे श्री स्वामी शंकरानंद गिरी जी महाराज उपस्थित संत वृंद देव स्वरूप पुरुषो भगवती वे शक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति वे देविया भगवत कृपा से आप नित्य प्रति भगवान की पावन लीला श्रीमद् भागवत की गोपी गीत की कथा श्रवण कर रहे हैं और संतों का दर्शन भगवान की कथा और गंगा यमुना सरस्वती का स्नान तीनों वैसे भी त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं और वैसे भी त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं आप बड़भागी हैं भाग्यशाली हैं। आए कुछ क्षणों के लिए भगवत नाम लें तदुपरांत थोड़ी सी चर्चा करके वाणी को विराम देंगे। श्री राम जय जय राम श्री राम घन हरण हनुमान जय जय
श्री रामनाम भगवान श्रीमद् भागवत से गोपी गीत गोपियां श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती हैं और गोपियों का ये परम भाव भक्ति की पराकाष्ठा है। गोपियां भगवान के विरह में इतनी विवल हैं, इतनी व्याकुल हैं, ये भाव आप श्रवण कर रहे हैं। जब हृदय में तड़फन पैदा होती है और वो परमात्मा को मिलने को आतुरता पैदा कर देती है, ऐसे हमारे जीवन के अंदर वो तड़फन कब आएगी? जब जिस क्षण हम केवल परमात्मा को ही निहारेंगे, परमात्मा को ही देखेंगे। गीत कहते किसको हैं? गाने का नाम गीत नहीं है, गीत में गोविंद है, गीत में प्राप्ति है। गोपी गीत का अर्थ है कि सीधे सीधे इस इंद्रियों के द्वारा हर स्थिति के अंदर परमात्मा की याद हो और परमात्मा की प्राप्ति हो, यही गोपी गीत है। आप देखेंगे जब गोपियों का विरह चरम सीमा पर था और भगवान से फिर उनके कष्ट को नहीं देखा गया तो परमात्मा प्रकट हो गए। ईश्वर जब प्रकट हुआ तो उन्होंने गीती गोपियों की बहुत वंदना की है, गोपियों के प्रति भगवान ने बहुत उदार भाव से गोपियों की प्रशंसा की है। कहा है गोपियों तुम धन्य हो, अर्थात जीव कुछ लोग परमात्मा को याद किया करते हैं और कुछ लोग इसे होते हैं जिन्हें परमात्मा याद करते हैं। गोपी वो है जिसको परमात्मा भी याद करता है। कुछ लोग परमात्मा को याद करते हैं और कुछ लोग वो हैं जिनको परमात्मा याद करते हैं, तो गोपियां वो हैं। गोपी कौन बनी? अर्थात भगवान ने जिनको याद किया, भगवान ने जिनका स्मरण किया, वो गोपी बन गई। गोपी और किसी का नाम नहीं है। ऐसे तो बहुत ब्रज में लोग बहुत थे, ब्रज में बहुत महिला मंडल था, परंतु भगवान ने जिन सखियों को जिनको याद किया वो गोपी बनी। अर्थात बिना परमात्मा की अहित की कृपा के कोई भी गोपी बन नहीं सकता, गोपी बन नहीं सकता, वो फिर गोपी गीत गा नहीं सकता, अर्थात वो गोपी भगवान को याद नहीं कर सकती। रामचरितमानस में चौपाई को बड़े सरल शब्दों में इस गोपी गीत के माध्यम से जब कंपैरिजन करता हूं, उसको विश्लेषण करता हूं, तो देखता हूं सो जानव जे देहु जनाई जानत तुम ही होई जाई। अर्थात भगवान को कौन जान सकता है? भगवान को कौन जान सकता है? सो जानव कहते कौन जान सकता है? वह जान सकता है
यही देहु जनाई, जिसको वो जना देता है, जिस पर वो कृपा कर देता है वही भगवान को जान सकता है, वरना परमात्मा की माया तो भगवान को विस्मरण करा देती है। माया के वशीभूत होकर संसार में रहता हुआ प्राणी मायापति को भूल जाता है, माया का आवरण जब उस पर चढ़ जाता है, माया के वशीभूत हो जाता है, फिर उसको भगवान में भी संसार दिखलाई पड़ता है, घर में भी संसार दिखलाई पड़ता है, अर्थात जगत के भौतिक बात दिखलाई पड़ता है। जिस पर मेरे परमात्मा की कृपा हो जाए तो वो फिर हर जगह श्री कृष्ण को ही देखता है, परमात्मा को ही देखता है। तो गोपियों पर भगवान की, गोपी बनी कौन, बिना परमात्मा की कृपा के गोपी बन नहीं सकी, और जो गोपी बन नहीं सकी और गीत गा नहीं सकी, इसलिए गोपी गीत का एक सरल सा अर्थ यह भी होता है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा कि सो जानव जही देव जनाई, जानत तुम ही होई जाय। वो जान सकता है जिसको वो जानना चाहे, और जो उसको जान लेता है फिर वो उसी का हो जाता है। आप देखिए, गोपियों ने अभी तक परमात्मा को जाना नहीं था, भगवान ने कृपा कर दी, वो गोपी बन गई, गोपी बन गई परमात्मा को जान गई, फिर जब वो परमात्मा को जान गई तो फिर वो पतियों के पास नहीं रहती, वो तो कृष्ण की जब मधुर बंसी बजती है तो उधर दौड़ कर चली जाती। गोपी कोई महिला नहीं, गोपी तो गाय भी बनी थी। ब्रज का प्रत्येक ग्वाल भी गोपी है, ब्रज का प्रत्येक ऋषि भी गोपी है, ब्रज की प्रत्येक महिला भी गोपी है, ब्रज का प्रत्येक पशु भी गोपी है, ब्रज की तुलसी भी गोपी है, ब्रज का एक कांटा भी गोपी बन जाता है जब वो उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, जिस पर मेरे ठाकुर अर्थात ब्रज भूमि के अंदर वही निवास कर सकता है। तो गोपियां ब्रज में रहती हैं, तो गोपियां ब्रज में रहने का अर्थ है कि सब वो। और देखो एक बात, गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ने कितना सरल लिखा कि ये जब गोपी गीत मैं सुन रहा था तो मुझे ध्यान में आ रहा था कि गोपी बनती कौन है, कैसे बनती है गोपी, क्या गोपी नाम रखने से हो जाएगा या बनने से होगा। गोपी बनती वही है जिस पर मेरे कृष्ण की कृपा हो जाए, और जिस पर कृष्ण की कृपा नहीं हो वो गोपी नहीं बन सकती। जब कृष्ण की कृपा हो जाती है तो गोस्वामी जी लिखते सो जानव जेहि देहु जनाई, फिर जानत तुम ही हो जाई, और वो उसको जानने के बाद फिर उसका हो जाता है। तो ये ब्रज की जो गोपियां थी वो फिर कृष्ण की रही या अपने घर वालों की रही। जब कृष्ण की बंसी बजती है, बांसुरी बजती है, तो प्रत्येक गोपी खींची चली आती है उस। अच्छा, राज के लिए भगवान ने निमंत्रण भेजा था या बंसी बजाई थी, क्यों भगवान ने निमंत्रण चिट्ठी लिख के भेजी थी, आओ महाराष्ट्र में, कोई निमंत्रण पत्र छापा था। एक बंसी की तान छेड़ दी थी कन्हैया ने, तो गोपियां घर से ब्रज के उस जंगलों में आ गई, यमुना के किनारे आ गई जहां महारास हुआ। रुक ना सके गोपी के पांव, अरे छोड़िए महाराज, ब्रज की महिलाओं की तो बात छोड़िए, कैलाश में बैठे हुए भगवान भूत भावन पतित पावन औदरदानी महादानी पिनाकवाणी भगवान शंकर भी अपने आप को रोक नहीं सके, और वो एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी ब्रज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। गोपेश्वर महादेव का नाम सुना होगा, भगवान शिव गोपी बने। अब आप देखें तो क्या गोपी कोई स्त्री का नाम था, जब शंकर जी गोपी बन गए, बाकी लोग ऋषि थे, मुनि थे, पशु थे, पक्षी थे, पेड़ थे, पौधे थे, झड़ीली कंटीली झाड़ियां थी, वो तो सब गोपी ही थी ना, जो कृष्ण का सेवन कर रही हैं, श्री कृष्ण के नाम को श्रवण कर रही हैं, कुछ गा करके
कुछ सुन करके, कुछ देख करके, सब गोपी है। कोई गाती है तो कोई बोलती है तो वो गोपी है। अगर पेड़ पौधे तो सुनते हैं ना, ब्रज की रज रज कण कण क्यों पावन है। ब्रज की रज रज ने भी श्री कृष्ण के नाम को श्रवण किया है, ब्रज के पौधों ने उस बंसी की तान को सुना है, ब्रज के उन पक्षियों ने बंसी की तान को सुना है, ब्रज के एक जो है पौधों ने, और वो पौधे भी पता है क्या, आप ब्रिज में जाओ तो एक रिक्शा वाला कोई भी, सबको लोग क्या बोलते हैं वहां, राधे राधे, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप भी बोलिए ना, किसी से पूछो कहते राधे राधे, राधे अर्थात राधे कहने से मेरे श्याम चले आते हैं। राधे राधे बोलोगे आएंगे बिहारी, अर्थात वहां का प्रत्येक कण गोपी है, वहां पर का प्रत्येक पौधा गोपी है, वहां की प्रत्येक पशु और पक्षी गोपी है, वहां का महिला और सब पुरुष भी गोपी हैं। जब वो बन सकते हैं, जब मेरे भोलेनाथ गोपी बन सकते हैं, तो बाकियों की क्या दशा रही होगी बताओ, जो हिमालय में बैठे हैं, तो बंसी की तान वहां भी तो पहुंची होगी ना। अर्थात पूरे विश्व के अंदर जो परमात्मा से प्रेम करता है और बंसी की तान छिड़ी होगी, तो महाराज पूरे विश्व के लोग वहां पर आए होंगे ब्रजमंडल में, और भगवान के महाराज के अंदर पधारे होंगे। ये गोपियों का भाव है। गोपी कौन बन सकता है, बिना परमात्मा की कृपा के कोई भी गोपी बन नहीं सकता। और जो गोपी बन जाता है वो कृष्ण को जान लेता है, फिर वो कृष्ण का हो जाता है। तो भगवान को कहना पड़ा उन गोपियों को, तुम धन्य हो, तुमने अपने बच्चों को छोड़ दिया, तुमने अपने पति को छोड़ दिया, तुमने अपने सासू को छोड़ दिया, ससुर को छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया, और मेरी बंसी की तान को सुन करके तुम आ गई, तुम धन्य हो, मैं तुम्हें वंदन करता हूं। मेरा परमात्मा उनको वंदन करता है। मेरा कहने का भाव वंदन का मतलब उन्हें याद करता है। अर्थात कुछ लोग संसार में ऐसे होते जो भगवान को याद करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते जिनको भगवान याद करते हैं और वो गोपी बनते हैं। जिनको भगवान याद करे वो भगवान की गोपी, अर्थात भगवान की गोपी अर्थात वो प्रत्येक इंद्रियों से परमात्मा के नाम के रस का रसास्वादन करते हैं। इति गोपी गोह पीबती रसा, इति गोपी। गोपी कौन है जो परमात्मा नाम के रस का सदा सेवन करता है, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते काम करते आते जाते जो कृष्ण 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 की ही ध्यान करता है, वो गोपी भाव में रहता है, वो महिला हो या वो पुरुष हो। इसलिए गोपी भाव बहुत सुंदर भाव है। इस गोपी गीत के माध्यम से आप अपने जीवन के अंदर परमात्मा नाम का रस आपके जीवन में मिलता रहे, ईश्वर की सदैव याद बनी रहे, यही गोपी भाव है। समय अभाव है, गोपी भाव है और अब समय का अभाव है, फिर कल चर्चा करेंगे। अभी तो गोपी गीत 19 तक चलने वाला है, 3 दिन शेष हैं, 17, 18 और 19 तारीख तक श्रीमद् भागवत से गोपी गीत आप स्वामी जी से श्रवण कर रहे हैं। उससे अगली कथा स्वामी गोविंद देव गिरी जी से श्री हनुमंत कथा आप श्रवण करने वाले हैं। 40 दिन तक कथा चलने वाली, 41 दिन तक, 19 फरवरी तक। हमने स्वामी शंकरानंद जी को कहा है कि 19 फरवरी तक रहना अपनी मंडली के समाध, कीर्तन मंडली भी यहीं रहनी चाहिए, सब कीर्तन मंडली के समय। अब धीरे धीरे ठंड कम हो जाएगी, अब जनवरी का आधा महीना बीत गया, अब ठंडी कम होना प्रारंभ हो जाएगी, अब दिन बदल जाएंगे, दिन बड़े। देखिए मकर संक्रांति से दिन बड़ा हो जाता है, तो हम तिल का दान क्यों करते हैं, अर्थात कल से तिल तिल करके दिन बड़ा होता है। तिल तिल करके, तिल का मतलब क्या है,
भाई जितना बड़ा तिल है उतना दिन बड़ा हो जाएगा। हमारी भारतीय परंपरा संस्कृति से अंग्रेजी भाषा में तो 25 दिसंबर को दिन बड़ा होता है, परंतु भारतीय परंपरा वैदिक परंपरा से हमारे मकर संक्रांति से बड़ा दिन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हमारा बड़ा दिन था, इसलिए कल शाही स्नान आपने किया। बड़े दिन पर हम शाही का स्नान करते हैं, हम छोटे दिन पर शाही का स्नान नहीं करते हैं। गंगा यमुना सरस्वती का स्नान जो हमें हुआ वो मकर संक्रांति पर इसलिए हुआ। और सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में बड़ा, और उत्तरायण की बड़ी महत्ता है। और ये जो है उत्तरायण है हमारे जीवन के अंदर कहते बहुत श्रेष्ठ होता है। जैसे दिन तिल 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 का दान क्यों करते हैं? तिल का दान भी इसलिए होता है कि दिन तिल कर करके बड़ा होता है, तिल तिल करके बड़ा होता है। और गोपी गीत में आप एक और श्रवण करने, माँ यशोदा श्री कृष्ण की आयुष के लिए तिल का दान करती थी, तिल का दान करती थी, तिल का दान करती थी माँ यशोदा। तिल का बड़ा महत्व है। धीरे धीरे इस मास में तो तिल के दान को मकर संक्रांति से लेकर के बसंत पंचमी तक तिल के दान का बड़ा महत्व है। कल तो बहुत से लोग तिल तिल मुझे दिला रहे थे, दे रहे थे। तो हमारे यहाँ तिल और खिचड़ी और तिल का बड़ा महत्व है इस मकर संक्रांति। तो खिचड़ी का पर्व भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसको पोंगल भी कहते हैं। तो ये जो दिन है हमारा बड़ा दिन कल था, समझे? सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आया और राशियां बदल गई, और इससे हमारा पर्व और इससे ठंडी भी जो चरम सीमा पर होती है धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसलिए उड़ीसा में तो थोड़ा गर्म रहता है, यहाँ ठंडा था, तो भागना नहीं, अब दिन ठीक आ जाएगा। सभी कीर्तन मंडली वाले कहाँ आए है ना, सब एक बार खड़े हो जाइए। और 19 पर कल्पवास हमारे यहाँ कहा जाता है, कल्पवास करने से फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। कल्पवास करने बैठ जाइए, कल्पवास करने से पुनर्जन्म नहीं होता है। कल्पवास होगा 21 जनवरी से लेकर के 19 फरवरी तक, माघ का पूरा महीना पूरे देवता यहाँ रहेंगे। फिर हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, स्वामी जी आप भी नहीं जाएंगे, आपकी मंडली भी नहीं जाएगी। हाँ, पूरा कल्पवास करो, जीवन में ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। बड़ी मुश्किल से मनुष्य का तन मिला, जीवन मिला, फिर ये तो घर गृहस्थी चलती रहेगी, संसार की आदि व्याधि ये सब चलती रहेगी। अब तो यहाँ केवल भजन करो और भोजन करो, भजन करो, और बंगाली में कहते हैं भोजन, भोजन करना है। बंगाली में भजन को भी भोजन कहता है। एक व्यक्ति बंगाल का था तो पड़ोसी को बोला आज हमारे भोजन है, भोजन। तो उसने अपने घर में कुछ बनाया नहीं, तो शाम को उसके घर में गया तो हमारे जैसे ये कहते ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण सब गाइए, हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
खाता भोजन, बंगाली में कहते भोजन करेगा, भोजन करेगा। तो वो बोला भाई भोजन कब आएगा? उसने कहा हमारे भजन कोई भोजन कहते? तो जो आनंद भगवान के भजन में सच्चा, मन का भोजन तो भगवान का नाम है और शरीर का भोजन तो तुम करते हो। ये शरीर का भोजन तो कल आज खाओगे कल को मन बन जाएगा, परंतु मन का जब भोजन करोगे तो मन शांत हो जाएगा, मन में आनंद मिल जाएगा। इसलिए कल्पवास में रहकर प्रातःकाल को इनका कीर्तन, सायंकाल को भगवान की कथा, प्रातःकाल सुबह से तो यहाँ यज्ञ प्रारंभ हो जाता है, फिर रामायण का पाठ होता है, फिर इनकी मंडली के द्वारा भगवान का कीर्तन होता है, क्या सुंदर दृश्य है। इसलिए भाई हम स्वामी जी को बोला है कि जब तक मैं रहूं तब तक आपको रहना, और जब तक आप रहोगे आपकी मंडली भी रहेगी। ठीक स्वामी जी? बस बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय हो। तो बाकी के चर्चाएं समय समय पर हम और आप करते रहेंगे आए भाव के साथ, कुछ शायद फिर आज जानकी बैठे रहिए, यही तो है, सर्दी में और कहाँ जाना है, आराम से बैठ करके भगवान की कथा सुनो, कीर्तन करो, ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। आए भाव के साथ झांकी का दर्शन करेंगे, झांकी के दर्शन के बाद आरती करेंगे, आरती के बाद फिर जो है भोजन, बंगाली वाला भोजन नहीं हिंदी वाला भोजन होगा। चलिए जय सियाराम, सब बोलिए जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय सियाराम। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ, स्वामी जी को प्रणाम करता हुआ, आइए एक 10 से 15 मिनट के लिए हम एक प्रसंग को याद करें। जैसे एक शहर में एक संत जी का आगमन हुआ, उनका नाम था संत रविदास, और संत जहाँ जाए वहाँ भोजन से ज़्यादा भजन को महत्व देते हैं। तो वहाँ गए, भोजन जरूर देते हैं लेकिन भजन करा कर देते हैं, ये संतों की महिमा है, वो दोनों चिंताएं करते हैं। वैसे भजन करते करते महात्मा वहां पहुंच रहे थे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय एक तारा लिए हुए भगवान को याद करते करते संत रविदास गांव में उधारते हैं, उनका आगमन हो रहा है। आइए हम भी संतों के साथ उस नाम को याद करें, गोविंद जय जय गोपाल जय जय आगमन वहां पर होता है। संत पहले तो भगवान की स्थापना करते हैं, भगवान को आसन ग्रहण कराते हैं, भगवान का स्थान रखते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, आरती पूजन करते हैं,
पर भगवान के उस मंदिर के बाजू में ही अपना आसन लगाते हैं और भगवान का हृदय से पूरे भाव से भगवान का भजन करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल संतों का आगमन हुआ तो गांव में भाव था। बहनों ने सोचा महात्मा जी गांव में आए हैं, हम प्रणाम तो करें, आरती तो करें। तो सारी बहनें संतों को प्रणाम करने, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करने वहां पहुंचती है कि संत का सत्कार होना चाहिए, संतों का सम्मान होना चाहिए, संतों के प्रति आदर होना चाहिए। उसी भाव को धारण करते हुए सभी संत के दर्शन हेतु वहां पहुंचते हैं। संत अपने मस्ती में मस्त थे, सारी माताएं पूजन कर रही है, आरती कर रही है और प्रणाम कर रही है संत का। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय प्रणाम किया, संत का पूजन किया, संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया और देश विदेश के सभी बहनें आई थी प्रणाम करने, संतों का पूजन करने और भारतीय परंपरा के अनुकूल। अब ये सब माताएं तो कर रही थी, एक बालिका ने ये सब देखा तो बालिका भी प्रणाम करने आ गई। बड़ों का देखते हैं वैसे छोटे करते हैं, तो बड़ों को देखा तो छोटी बालिका भी वहां आती है, संत के गले में फूलमाला पहनाती है, प्रणाम करती है। बाकी तो पूजा करके निकल गए कि साधु बहुत समय तक लेकर बैठ नहीं जाए, क्योंकि ये साधु का मालूम माइक चालू हो जाए ये फिर 7 बजने के बाद भी चलता रहता है। तो बालिका गई नहीं, बालिका वही बैठ गई और बालिका प्रणाम कर रही है। संत ने पूछा क्यों क्या चाहिए, बोले कुछ नहीं, आपका भजन सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है और समय का भी पता नहीं चला। बोले कुछ चाहिए, बोले नहीं, बोले सब आए थे क्या क्या मांग रहे थे हमने तो दिया, आपको कुछ चाहिए तो दे देवे। बोले मांग लो जो चाहिए, मना करते करते अब संत सुन ही नहीं रहे थे कुछ ले ले। तो बालिका कहती अगर देना ही है इतना मन से तो आपके बाजू में जो भगवान की मूर्ति है वो भगवान मुझे दे दो, अगर देना ही है आशीर्वाद में। बालिका को पता था कि संत के पास क्या मांगना चाहिए, भगवान मांग लिए। संत को तो आनंद आया कि भगवान से तो सब मांगते हैं, आज बालिका ने भगवान मांग लिए। अपने आसन से उठ खड़े होते हैं और भगवान की जो मूर्त पसंद आई थी बालिका को, वो मूर्त वो भगवान उस बालिका को भेंट कर देते हैं। जैसे ही बालिका को भगवान मिल जाते हैं, बालिका नाचने लग जाती है, आनंद करने लग जाती है। ये कोई साधारण बालिका नहीं थी, ये बाई मीरा थी,
कि बचपन में ही अपने सदगुरुदेव के पास भगवान को मांगा था, आज से भगवान इनके बन गए थे। और मीरा बाई आनंद से नाचने लगी और गाने लगी। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमाल दी मेरे सदगुरु, वस्तु अमाल दी मेरे सदगुरु, करो अपनारो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न कूड़े चोर न लूटे, मेरा भाई खुश हो गई, आनंद हुआ कि आज मुझे भगवान मिले, भगवान की भगवान को पाने की खुशी में भाई मीरा नाचती थी, न कि पाने हेतु। भगवान मिल चुके थे सदगुरु भगवान के पास, और नाचती नाचती मीरा भाई आनंद मना रही है। आज के बाद बस वही कृष्ण प्यारे से प्रेम हुआ, कृष्ण प्यारे से लगन लग चुकी है मीरा बाई की। कृष्ण को सुलाती थी, जगाती थी, भोजन कराती थी, प्रसाद ग्रहण कराती थी, बस लगन लग गई थी मीरा बाई को आज से। लेकिन जैसे समय बीतता गया, उम्र लायक हुई मीरा बाई, इच्छा तो नहीं थी लेकिन विवाह करना पड़ा, शादी करनी पड़ी। लेकिन मन तो भगवान का बन चुका था, भगवान को दे बैठी थी, भगवान की मीराबाई बन चुकी थी, इंद्रियों से कृष्ण रस पी रही थी। तो अब संसार का जो विषय रस है उसमें मन कैसे लगेगा? तो संसार में तो मन लग ही नहीं रहा था, बहुत खुद को संभालने की कोशिश की, संभल नहीं पा रही है मीराबाई। अब मन हुआ कि नहीं, मैं अपने आप को कृष्ण से रोक नहीं सकती। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। मीरा भाई महल को छोड़ देती है, हाथों में एक तारा लेती है, पैरों में घुंघरू बांध लेती है। अब कोई लाज नहीं है, शर्म नहीं है, अब तो कृष्ण बनना है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को। निकल पड़ती है कृष्ण के पथ पर, कृष्ण के प्रेम के पथ पर मीराबाई निकल पड़ती है। कई लोगों ने रोकने की कोशिश